हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्ते। मैं आकाश फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ समाधान स्टडी में। साथियों, आप सभी ने बहुत अच्छे से और बहुत बेहतर तरीके से स्टडी किया है, और जो है साथियों, कल से आपके एग्जाम जो है स्टार्ट होने वाले हैं, और आप सभी को जो है मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि अब तो हमने बहुत अच्छे से तैयारी किया और मान के चलिए किसी का पढ़ के नहीं भी हुआ हो, ठीक है। तो साथियों, कैसे हम लोग जो है एग्जाम में पेपर को सॉल्व करें, क्योंकि हमें जो है 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे का मतलब इतना बड़ा टाइम नहीं होता, सिर्फ 120 मिनट होता है, और उसमें हमें 100 क्वेश्चन करना है, ठीक है। साथियों, आपको टाइम मिलेगा 1 मिनट 10 सेकेंड का, अगर मान लीजिए अप्रॉक्स 1 मिनट या फिर आपको 65 सेकेंड मिलने वाला है। उसमें हमें क्वेश्चन को पढ़ना भी है, क्वेश्चन को समझना भी है, और क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, ठीक है। 3 चीज हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि आप लोग सबसे पहले किस पोर्शन को सॉल्व करें, जिससे कि हमारे कम टाइम में अधिक क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो सबसे पहले आपको 4 पोर्शन आएंगे, जिसमें इंग्लिश जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके रहेगा। तो कोशिश करिए कि हम बायोलॉजी से स्टार्ट करें। देखिए, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे तो आपको पूरा स्टार्टिंग से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मिक्स ना आए, पहले बायोलॉजी आता है फिर फिजिक्स आता है, तो आपको 20-20 नंबर का स्लॉट मिलेगा। पहले अगर बायोलॉजी आए तो पहले 20 जो है आपको बायोलॉजी को सॉल्व करना है। उसके बाद साथियों, जो भी आपका जो है अच्छा पोर्शन है, जैसे कि किसी का केमिस्ट्री अच्छा होता है, किसी का जो है फिजिक्स अच्छा होता है, पर मैं आपको बताऊंगा, तो पहले आपको बायोलॉजी सॉल्व करना है, ठीक है। और 20-20 मिनट जो है क्वेश्चन वहां पे आपको रहने वाले हैं। तो पहले आप बायोलॉजी सॉल्व करें, फिर उसके बाद आप केमिस्ट्री अच्छा है तो केमिस्ट्री सॉल्व करिए, और फिजिक्स को सबसे लास्ट सॉल्व करना, क्योंकि फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे और कुछ थ्योरिटिकल आएंगे। तो क्या होगा, अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम जो साथियों क्या होगा, आपका टाइम ज्यादा जाएगा, और क्वेश्चन नहीं बना तो वो टाइम आपका वेस्टेड चले जाएगा। तो देखिए, पहले आप बायोलॉजी, उसके बाद अगर जीके आपका बनता है तो जीके में कुछ नहीं है, पढ़ना है और टिक लगाकर आगे निकलना है, वो तो आप 10 से 15 सेकंड में उसे सॉल्व कर लेंगे। तो फिर जीके सॉल्व करिएगा। उसके बाद आप इंग्लिश में अच्छे हैं, आपके ओकेब्स है या फिर आपका एंटोनेम, सिनोनेम्स, वर्ब, अगर ये अच्छा है तो आप फिर इंग्लिश में जाइएगा, ठीक है। आप पैसेज आएंगे, आप पैसेज छाट कर आंसर कर सकते हैं। और सबसे जो है लास्ट में आपको फिजिक्स को सॉल्व करना है। अगर फिजिक्स आप स्टार्टिंग में सॉल्व करते हैं तो साथियों फिर आप बाकी के क्वेश्चन नहीं करना है। तो पहले जो आप अटेम्प्ट करें, आप पहले जो है पहला 1 घंटे में आप पूरा पेपर आपको देखना है, पूरे आपको क्वेश्चन देखना है, आपको पूरे 100 क्वेश्चन देखना है पहले के 1 घंटे में, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे सर, फिर जो है आपसे नहीं बन रहा है तो इसे रिमार्क लगाइए या फिर डायरेक्ट जो है क्लिक करके छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा साथियों, इससे ये आपका टाइम बचेगा, और जो क्वेश्चन फिर रिवाइज करके हम लोग देख लेंगे। और ये मत करिएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करें, काफी बच्चे ये भी है कि पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो क्या करिएगा, आपको सेव और नेक्स्ट करना है। सेव और नेक्स्ट होगा, जो आप जो है क्लिक करेंगे, जो क्वेश्चन आप बना लेंगे वो ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। जब तक ग्रीन नहीं होगा वो नंबर उसको काउंट नहीं होगा, तो पहले वो ग्रीन होना चाहिए, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने साथ एडमिट कार्ड लेके जाना है, वो चाहे क्लर्क ले जाए या फिर आप लोग जो है साथ वह ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाए। अपने साथ एक फोटो लेके जाना है और अपना एक पेन लेके जाना है, और एक व्हाइट अगर पानी की बोतल आपको लेके जाना है तो आप उसे लेके जा सकते हैं, ठीक है। जहां पर भी आपका सेंटर होगा, समय से पहले पहुंचेगा। कल मॉर्निंग में आपका शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, तो कल आपको 7 से 8 बजे तक पहुंचना है, तो 8 के बाद वो एंट्री नहीं लेंगे। तो कोशिश करिए कि हम समय से पहले ही पहुंच जाए, ठीक है। और कोई भी जो है कल जो है आप सभी का एग्जाम होगा, तो साथियों मुझे इसी मेरा नंबर आपके सभी के पास होगा अवेलेबल, ये तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां पर थोड़ा मुझे जो है व्हाट्सएप पर क्या करें, जो क्वेश्चन आपने बनाया है और जो क्वेश्चन आ रहे हैं कैसे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि लगातार 3 से 4 दिन और आपके एग्जाम चलेंगे, तो जो बच्चों जो नहीं देख, ठीक है, जिनका एग्जाम नहीं है, वो आगे चल के साथियों कैसा पेपर आया है हमें पता तो चल सके, टफ आ रहा है या मॉडरेट आ रहा है या फिर इजी आ रहा है, तो आप जरूर से उनकी सहायता कर सकते हैं, ठीक है। और साथियों क्या स्ट्रेटजी है, वही है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो साथियों आगे बढ़ना है, पर पेपर पहले पूरा देख लेना है, ठीक है। और सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से जाइएगा पेपर, और कितने आपके मार्क्स आते हैं वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर करना अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हमें पहले किस पोर्शन को सॉल्व करना है, और पेपर जो है साथियों जो पहले आप अगर जो नए स्टूडेंट है तो आपको जो वहां पर पहले ही मिल जाएगा 10 मिनट का मॉक टेस्ट लगाने को, तो वो मॉक टेस्ट आपको लगाना है, या तो मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा लाइव आकर कि कैसे हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, और अगर पहले अगर स्टूडेंट पहली बार देने जा रहे हैं तो उनको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।